आज पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आजादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नाईकर, नारायण गुरु संत गाड़गे तथा मानवर कांशीराम जी के उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमता मूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना करना। यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते, उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है। इसलिए एक अल्टरनेट पॉलिसी और अल्टरनेट प्रोग्राम और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स ये ज़रूरी है, और ये बीबीए के माध्यम से आपको अल्टरनेट पॉलिसी, प्रोग्राम और पॉलिटिक्स ये तीनों की रचना करके जो भारत की राजनीति दो धड़ों में बढ़ चुकी है और सीमित हो चुकी है, एक धड़ा कांग्रेस ले रहे, दूसरा धड़ा बीजेपी ले रहे, लेकिन ये दोनों धड़े देश के बहुजनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, और विकास के रास्ते पे ये दोनों भी कॉरपोरेट दलों के हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव ये भारत की मजबूरी है और ये बीबीए के माध्यम से पूरी होगी।